बाढ़ सहनशील धान। जब बाढ़ आई थी तब पानी 10-15 दिनों तक रुका रहा। चावल की फसल जो लगाई गई थी पानी में डूबी रही और खराब हो गई। जब हमने पौधे लगाए तब अंकुरित बीज डूबकर बर्बाद हो गए। हमने पौधे लगाना बंद नहीं किया और साल में सिर्फ एक फसल काटी। निचले क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव होने की वजह से अक्सर चावल की फसल बर्बाद हो जाती है। उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के अकबर अली से जानते हैं कि पिछले कुछ साल में बाढ़ की स्थिति कैसे बदल गई है। 22-23 साल पहले बाढ़ ज्यादा आया करती थी, पर पानी ज्यादा देर तक रुका नहीं रहता था। अब बाढ़ उतनी ज्यादा तो नहीं आती है, पर पानी लंबे समय तक रुका रहता है। पता नहीं क्यों, वजह शायद खराब निकासी है। पानी ज्यादा देर तक रुकता है तो बाढ़ से चावल के पौधे बर्बाद हो जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? ऐसी किस्म के चावल चुनिए जो बाढ़ के हालात को सह सकें। अच्छी क्वालिटी के बीज लें जिनमें मिलावट या खराबी ना हो। अच्छे बीज से बढ़िया अंकुरित पौधे उगेंगे। स्वस्थ अंकुरित पौधे उगाएं। अपनी नर्सरी में कम बीज बोएं ताकि मजबूत पौध उग सके। बड़े हो चुके पौध की रोपाई करें क्योंकि वो बाढ़ को सहने में छोटे पौधों से ज्यादा सक्षम हैं। बाढ़ के बाद पानी में मौजूद कूड़े और खरपतवार को निकाल दें। जरूरत पड़े तो ध्यान से पत्तों पर से कीचड़ को धो दें। बाढ़ का पानी उतरने के एक हफ्ते बाद यूरिया और पोटेशियम फर्टिलाइजर डाला जा सकता है। बीज मिलने के बाद मैंने अंकुरित पौधे उगाए और 12 दिनों तक बाढ़ का पानी रुका होने के बावजूद पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा। बाढ़ में पैदा होने वाले चावल की खेती करने से आप बाढ़ वाले इलाकों में अच्छी फसल उगा पाएंगे। अगर बाढ़ को रोक नहीं सकते तो चावल के खेत में उनसे होने वाले नुकसान को घटा जरूर सकते हैं।